आज की हमारी थीम है स्वीटनर या स्वीट पॉइजन। और ये थीम और ये शो इसलिए क्योंकि आजकल शुगर फ्री के नाम पर बाजार में ढेरों चीज़ें बिक रही हैं, इन्हें डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों के लिए सुरक्षित बताकर बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जो लोग जागरूक हैं ऐसे लोग भी इस तरह के उत्पादों का खुलकर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि स्वीटनर वाले ये उत्पाद डायबिटिक लोगों के लिए रामबाण है या महज छलावा है। हाल ही में इसे लेकर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। एक स्टडी में कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्ट अटैक की वजह हो सकते हैं। जी आप गौर से सुनिए, जो शुगर फ्री के नाम पर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शुगर फ्री चीनी हो, शुगर फ्री बिस्किट हो या बाकी कोई उत्पाद, ये हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। इनसे ब्लड प्रेशर और मोटापा भी बढ़ता है। आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर का असली सच और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हाल के दिनों में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हेल्थ को लेकर जागरूक लोग चाय कॉफी में स्वीटनर का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर को चीनी का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की एक स्टडी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिसर्च में इस स्वीटनर को दिल की बीमारियों की वजह बताया गया है। ये ताजा स्टडी फ्रांस की है। शोधकर्ताओं के समूह ने करीब 1,00,000 लोगों के खान पान को लेकर 2009 से लेकर 2021 तक यानी करीब 12 साल तक एक व्यापक स्टडी की। शोध में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी में शामिल लोगों में से 1503 लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्या पाई। ये वो लोग थे जो लंबे समय से आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग रोजाना औसतन 42 मिलीग्राम स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे थे। WHO भी कह चुका है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर को शुगर का सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता। इसके अलावा शुगर फ्री स्वीटनर से कैंसर होने की भी आशंका जताई गई है। स्टडी में शुगर फ्री स्वीटनर में पाए जाने वाले तत्व में शामिल एस्पार्टम, पोटेशियम और सुक्रोज कैंसर से संबंधित हो सकते हैं। दरअसल बड़ी तादाद में लोगों का रुझान शुगर फ्री प्रोडक्ट की ओर गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सेहतमंद होने की कोई गारंटी नहीं देते। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी कहा गया है शल स्वीटनर के इस्तेमाल से लोगों के पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, इससे भूख मर जाती है। रिसर्च के मुताबिक शुगर फ्री गोलियों में एस्पार्टम, सुक्रोज और स्टीविया जैसे तत्व शामिल होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, शुगर फ्री का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कोई व्यक्ति मोटापे का भी शिकार बन सकता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म के मुताबिक नहीं होते। ये शरीर पर चर्बी जमा होने देने के लिए मददगार साबित होते हैं। वैसे तो बाजार में शुगर फ्री के नाम पर जैम, च्यवनप्राश से लेकर कई ऐसे उत्पाद मिल जाएंगे जिनका दावा है कि शुगर के मरीज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग दावों की परख किए बगैर, डॉक्टर की सलाह लिए बिना धड़ल्ले से इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जो जोखिम भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम अपने डॉक्टर से ये समझेंगे कि आखिर ये किस तरह से नुकसानदायक है, और जब इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है तो क्या ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको हमें समझना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट GB पंत हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर अशोक झिंगन हैं, डायबिटीज एक्सपर्ट मैक्स हॉस्पिटल के। और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर गुप्ता आपसे होगा, चूंकि इस रिपोर्ट में ये बहुत साफ साफ लिखा गया है कि शुगर फ्री का इस्तेमाल हार्ट अटैक को दावा दे सकता है, कैसे सर, क्या वाकई आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर हैं, और ये किस तरह से, मतलब अगर कोई स्वीटनर का इस्तेमाल करता है, अल्टरनेटिव शुगर का इस्तेमाल करता है, तो वो हार्ट को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है?
देखिए, इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब भी इसका एनालिसिस होता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में होता है। आप देखेंगे कि 12 साल फॉलो करने के बाद ये स्टडी पब्लिश हो गया है। अक्सर हमारा माइंडसेट क्या होता है कि जब हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलता है तो हमें लगता है कुछ शॉर्ट टर्म में तो होगा नहीं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो हमारे ग्लूकोज और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कम्प्लीटली ऑल्टर करता है, बल्कि सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करता है। और इस स्टडी में और इसके साथ पुरानी कई स्टडीज जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर दिखाया गया है कि हमारे हाइपरटेंशन की बीमारी को, साथ में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, चर्बी बढ़ाने के लिए जो ऑल्टर्ड लिपिड्स हैं और स्पेसिफिकली जो सुक्रालेज है वो पर्टिकुलरली एंजियोप्लास्टी की मात्रा को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अच्छा, और यही नहीं कि हार्ट अटैक के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी के अंदर बात है वो है हार्ट अटैक से भी ज्यादा ब्रेन अटैक को ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। तो दोनों चीजों को हमें आज ये समझना आवश्यक होगा। अब ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि ज्यादातर लोग अक्सर समझते हैं कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये समझिए कि एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। जब हम एक चीज को बार बार लगातार लॉन्ग समय तक उपयोग करते हैं तब इसका नुकसान हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडीज में जाहिर होता है, इसलिए अलर्ट होना और जागरूक होना इस समय बहुत आवश्यक है। इसका एक और कारण भी है कि हमारे वास्कुलर इन्फ्लेमेशन यानी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है उसकी भी इंफ्लेमेटरी पैरामीटर्स को बढ़ाता है, जो हमारे अटैक को कॉज करने के अंदर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ये आपने बहुत शुरुआत में बहुत डिटेल में बता दिया कि कैसे इससे हार्ट को नुकसान पहुंचता है, और आपने एक नई बात बताई कि सिर्फ हार्ट नहीं बल्कि ब्रेन को भी ये नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानना समझना। अब डॉक्टर झिंगन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आप डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं और ये जो पूरा तंत्र है शुगर का, शुगर फ्री का, वो डायबिटीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता है। इतना बड़ा मार्केट है, पहले तो शुगर का इतना बड़ा मार्केट है, और अब अगर लोग शुगर नहीं खाएंगे तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया गया है शुगर फ्री के तौर पर, और शुगर फ्री का भी इतना बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है कि उसको एक झटके से खारिज कर देना ये बड़ा चैलेंजिंग लगता है उन लोगों को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आप इस पूरे रिसर्च को एक डायबिटीज एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको जो ये अल्टरनेट, कई बार डॉक्टर खुद बताते हैं कि आप शुगर फ्री लें, ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये जो रिसर्च आई है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये पिछले 10 से 12 साल तक उन्होंने किया, अबाउट 1,00,000 आदमियों पर इसका अध्ययन किया, और फिर ये पाया कि इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं, खास करके शुगर फ्री में चार चीज़ें होती है, एक तो होता है अपना स्टीविया, दूसरा होता है सुक्रलोज, तीसरा होता है स्पार्टम, और चौथा जो होता है के पोटेशियम, जिसको हम लोग कहते हैं एस पोटेशियम, जिसके एस के नाम से माना जाता है। ये माना गया कि 9% इन लोगों के अंदर हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा थे, और जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता भी बता रहे थे कि हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक, अपना जो है ट्रांजेंट स्टीमिक अटैक, इसके साथ साथ जो है कई बार जो है इसकी वजह से पैरालिटिक स्ट्रोक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना, और ये सब चीज़ें उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। जैसा आपने कहा कि बहुत ही प्रचलन है आजकल, हर आदमी चाहता है कि जो है अपना, दो तरह के लोग हैं, एक तो है वेट कॉन्शियस लोग हैं, वो चाहते हैं कि वेट ना बढ़े, और ख़ास करके युवा पीढ़ी, क्योंकि ये अध्ययन भी किया गया तो इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो 42 साल से कम उम्र के थे। तो उन लोगों के अंदर जो युवा लोग जो मोटे होते हैं, अक्सर वो लोग जो है वेट कम करना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि डाइट या खास करके इस तरह के जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। डायबिटीज़ के मरीजों की बात करें तो अक्सर, क्योंकि उनका माउथ का जो टेस्ट है, हमेशा मीठा खाने की जो आदत है, वो कैसे ठीक होगी, तो उनको एक विकल्प मिल गया कि ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाए। उसको ये लोग ये नहीं सोचते कि जब हम ये कर रहे हैं, कोई भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है या शुगर फ्री है वो कैलोरी फ्री नहीं है। अच्छा। इसीलिए जो आपने बात कही कि मोटापे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग बाग ये सोच के खाते हैं कि इसमें तो कैलोरीज है नहीं, वो खूब उसको खाते रहते हैं, और यही वजह है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है उसकी कैलोरीज तो होंगी होंगी, उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली ये सब जो है ऑक्सीडेंट्स होते हैं, इससे इन्फ्लेमेशन होती है, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अब सामने को देखने को मिली। राइट सर, एक आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि इसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, मुंह का जायका खराब हो जाता है, कई लोगों को हेडेक होती है, नींद नहीं आती, वो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं इसके अलावा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है स्टडी आई है,